दर्शक बंधु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रेम नमस्कार आसंतु वाक्य रे आलोचना करिबा ताहा आमने पाई परिबा एब्री पुस्तक दुई अध्याय एक पद एठारे एक प्रकार लेखा अछि अतएव सुना जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोजोगी हेबा आमानंकर उचित नहिले काळे आम्भे माने लक्ष्यग्रस्त हेबु। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रभु तुमको धन्यवाद करुचु आज सुंदर दिन पाए पुनर्बार प्रभु तुम वाक्य रो आलोचना करने तुम मानक आह्वान करतीपाय तुमको धन्यवाद करुची। वाक्यर गभीर मर्म बुझापी तुम मानक साहय कर वाक्य श्रवण करुवा एवं देखु प्रत्येक जीवन में तुम्हें विश्वास जाग्रत कराओ प्रभु जोद्वारा आम वाक्य को कार्य लगे प्रभु तुम्हारी फलवान हो पार मत कहपी सामर्थ्य प्रदान कर वाक्यर निगूढ़ तत्व बुझापी मत साय कर प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुचु आमे। मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज मैंने पुनर्बार ईश्वर वाक्य आलोचना करने सुजोग पाइचे से प्रथम प्रभु को धन्यवाद दूची। आज प्रसंग हूँ वाक्य प्रति अधिक मनोजोगी हेबा किपरी हाउ टू पे क्लोजर अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड। मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने ए जगत मध्य आम देखु असंख्य लोक ईश्वर वाक्य शुणुंट किंतु अनेक लोक ईश्वर वाक्य केयरलेस भाव शुणी था अनेक लोक ईश्वर वाक्य को अन्य मनस्क भाव शुणी था आम वाक्य जाचे थे जड़े लोक वाक्य शुणुला पाउल वाक्य प्रचार करुले नाम हूँ यूट्यूब से कौन करूला से झरका पाखर रही से वाक्य शुणुला रात्र समय से बाहर एंजय करुला पाउल वाक्य शुणुला किंतु शुणु शुणु से सोई पड़ला आउसे भूमि ने खसी पड़गला तो आम देखिपु से जगार मृत्युवरण कला किंतु पाउल प्रार्थना कर पुनर्जीवित करेंगे। आज अनेक समय मैंने ईश्वर वाक्य शुणुचु किंतु दुई मना है कि शुणुचु आम जगत को एंजय करश्वर वाक्य को शुणुचु से क्षेत्र में आम मानकर क्षति हेबो तो ईश्वर वाक्य शुणापी हेले आम मानकु संपूर्ण मन हृदय ताहारे देवार आवश्यकता रही। मो प्रिय भाई और भौणी माने प्रचारक परे प्रचारक मीटिंग परे मीटिंग विभिन्न प्रकार रिवाइवल मीटिंग आम जोग दू किंतु को प्रचारक कौन प्रचार कले आम ताहा मन पकई न था वर्षक मध्य केते सभा को जाइछु किंतु प्रत्येक सभार वाक्य को आम मन पकई न था कहीं आम केवल शुणी था किंतु आम पुनर्बार आलोचना कर पुनर्बार चिंता कर प्रिय भाई और भौणी मैंने जिते बड़े छोट थी से समय मुझे देखु थी जे पातिमांकर मान पातिमांकर कौन कै से जिते बड़े मांडिया कि कौन शस्य से संग्रह करे से संगे संगे पटे पुरे दिए एवं पाटी साइड को ता रखी दिए तापर जिते से गच्छ को फेरी जाए से समय से ठेली 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 खाई जाए पुणी खरा दिन जो आप गाई गोरु को लक्ष्य करेंगे से माने दिन बेले जंगल को जाती राति को आसला परे से माने कौन करती से माने पुनर्बार पाकुड़ती से माने जहा खाई पुनर्बार पाकुड़ती टेस्ट को जानी पारती। मो प्रिय भाई और भौणी माने आम ईश्वर वाक्य शुणुचु किंतु आम पुनर्वाता को आम पाकुड़ी न था आम ईश्वर वाक्य केवल चर्च भितर शुणुचु आम ईश्वर वाक्य केवल मीटिंग भितर शुणुचु कि घर को आसला परे पुनर्बार ताकु आम ध्यान कर न था से अनेक समय आम लाभदायक हो न था कि बाइबल प्रकाश करा जाए जे आम देखिपर ता प्रेरित पुस्तक सत्र अध्याय दस रु एगार पद जदि आम पाठ करवा आम से पढ़ी पार्बा पुणी भाई माने अविलंबरे पाउल और सिला रात्रि काल में बेरिया को पठाईदे से माने से स्थान में पहुंची जिहूदी मान समाज गृह को गले थेसलोनिकी जिहूदी मान ठारे सुशील थे एम पूर्ण आग्रह वाक्य ग्रहण कले पुणी ए समस्त सत्य कि ना ताहा जानिबा निमन्ते प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करूथिले। आमे देखि पारुछु बेरिया निवासी
थेसलोनिकी रे थिबा जिहुदी मानंकर थारु अति नम्रशील लोक थिले त सेमाने कोन करथिले वाक्य सुनुथिले किंतु वाक्य सुनिला परे नीरव रहनथिले सेले वाक्य सुनिला परे ए समस्त सत्य कि ना ता सेमाने आलोचना करथिले आज हमारी ईश्वर का वाक्य सुनुचु किंतु अन्य कार्य व्यतीत हो जाऊ आम भूली जाऊ आज आम मध्य कौन सुसमाचार प्रचार करागला आज वक्ता कौन वाक्य प्रचार कले आम भूली जाऊ आम अन्य विषय उपर अधिक आलोचना करुचु किंतु ईश्वर वाक्य पुनर्वार आलोचना करूना मो प्रिय भाई और भौनी माने तेणु बाइबल आम कौन कहे देखु एवरी पुस्तक दुई अध्याय एक पदर लेखा अतए सुना जायतिबा वाक्य प्रति अधिक मनोजोगी हेबा आमानकर उचित नहिले काले आमाने लक्ष्य भ्रष्ट हेबु एटी लेखा अछि सुना जायतिबा वाक्य प्रति आमाने जो वाक्य सुनि अछु से वाक्य प्रति अधिक मनोजोगी हेबा दरकार तार अर्थ पुनर्बार से वाक्य उपरे आमानकर मन भितरे मेडिटेशन करिवार आवश्यकता रहिछि आमे से वाक्य को बार बार ध्यान करिवार आवश्यकता रहिछि आमे जेतेबेले रब्बार गिरजा को जाऊ रब्बार गिरजा रे कौन प्रचार करागला ता आमे सुनिला परे नीरव रहते बनाई घर को आसी पुनर्बार ताकू ध्यान करिया दरकार एवं ताकू आलोचना करिया दरकार मु से वाक्य को केते दूर पर्यंत पालन करिछि मु से वाक्य को कौन अवहेला करिछि कि आजर शिक्षा कौन मो पई उपयुक्त कि मु से शिक्षा को कि प्रकार भाव रे व्यवहार करछि ए समस्त विषय आ माने आलोचना करिया दरकार एवं मन भितरे ध्यान करिया दरकार तेणु सब गुरुत्वपूर्ण विषय से प्रभु जीशु थे चारि प्रकार जमी विषय दृष्टांत कहले आमारे पाई मथ्यु तेर अध्याय तीन पद रु आठ पद पर्यंत से दृष्टांत द्वारा से मानक अनेक कथा कहले देख जड़े बुणाई बुणा को बाहरला से बुणु बुणु केतेक बिहन पाट पाखे पड़ा पुणी चढ़ई मान आसी से गुड़ी खाईगले आउ केतेक अल्प माटी पथुरिया भूई में पड़ा एवं बेसी माटी नथिबारु शीघ्र गजा हला किंतु सूर्य उठते जली पड़गला और चेरन थिबारु सुखी गला आउ केतेक कंटा गछ गुड़ाक मध्ये पड़ला पुणी कंटा गछ गुड़ाक उठी बड़ होई से गुड़ी चापी पकेला मात्र अन्य केतेक भल भूई में पड़ला और फल फळिला केतेक शहे गुण केतेक षाठी गुण पुणी केतेक तीस गुण जहार कान अच्छी से शुणु मो प्रिय भाई और भौनी माने ए जगह आम देखि पारुछु प्रभु जीशु चारि प्रकार भूमि विषय कहउछन्ति प्रभु जीशु जड़े बुणाई विषय कहउछन्ति तार अर्थ से ही समय अनेक कृषक माने थिले जो माने के कृषि कर्म रे लिप्त रहउथिले आ से मानकर कृषि कर्म उपरे जथेष्ट अनुभूति थिला तो प्रभु जीशु जेतेबेले दृष्टांत गुडी कहउथिले स्थानीय लोक मान अनुभूति को केन्द्र करतांत कहते तो से जन बुणाई विषय से कथा कहते तो से बुणाणी कौन कर बिहन बुणुची देखि पार्छ वाक्य लेखा अच्छी जड़े बिहन बुणुची किंतु चारि प्रकार भूमि रे से बिहन पड़ जाहन तो एक प्रकार किंतु जमी चारि प्रकार मो प्रिय भाई भौनी माने बिहन होउची ईश्वर वाक्य भूमि होउची आमानकर हृदय विभिन्न प्रकार हृदय विभिन्न प्रकार श्रेणी लोक माने विभिन्न प्रकार हृदय नहीं कि सुसमाचार शुणी थांती तो आज आम सुसमाचार शुणुचु किंतु आमाने जो सुसमाचार शुणुचु ताहा केते दूर पर्यंत ठीक भाव में शुणुचु कि नहीं ताहा आमाने आज समीक्षा करिवार नितांत आवश्यकता रही ये प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहते प्रथम जमी विषय में चिंता करवा चार पदर लेखा अच्छी से बुणु बुणु केतेक बिहन बाट पाखे पड़ा पुणी चढ़ई मान आसी से गुड़ाक खाई गले मो प्रिय भाई भौनी माने जड़े बुणाणी बिहन बुणुला किंतु केतेक बिहन बाट पाखे पड़ा आउ चढ़ई मान आसिले एवं ताकु खाई गले लेखा अच्छी तो देखु बाट पाखे भूमि ता कठिन हो जा कहीं कठिन हो जा कारण लोक मैंने से बाट दे यात्रा करुले तो जिते बिहन बुणा गला से जमी से बिहन को ग्रहण कर पारा ना भूमि रे से बिहन प्रवेश कर पारा ना तो द्वारा
बाहर लोक माने ताकु देखि पारु थिले पुनी चढ़ई माने मते ताकु देखि पारु थिले आ चढ़ई मानक पई सेला लाभदायक हला कारण चढ़ई गुली को आसी कि से भूमि ऊपर थीबा बिहन को नै कि खाई गले म प्रिय भाई ओ भौणी माने बाटो पाख भूई कठिन भूई अनेक समय माने आमानक हृदय को कठिन करि थाउ सेति पा ईश्वर वाक्य आमानक भितरे प्रवेश करि पारे नै बाट पाख भूई मध्य गोटे देखाणिया भूई से भूमि उपरे बिहन कि प्रकार भाव रही अन्य माने देखि पारुछंती केवल सोई देखाणिया अनेक समय आम ईश्वर वाक्य शुणुचु किंतु देखाणिया भाव रे आमे ताको कार्यकारी करुचु से वाक्य जद्य आम जीवन पे किछि उपकारी हे नाही किंतु आमे लोक को देखेबाय चाहुचु जे मु से मीटिंग रे कि मु ए वाक्य सुनली आज ए प्रकार पालक आसीतिले केवल वाक्य उपर आमे गर्व करिथाउ किंतु वाक्य को निज हृदय रे आमे ग्रहण करि नथाउ आ सेते बेले शैतान सुजोग पाए कारण आमे केवल देखाणिया भाव रे ईश्वर वाक्य को ग्रहण करिथाउ म प्रिय भाई ओ भौणी माने तो आज आम देखी पार्छ मैंने निज को प्रिपेयर कर नाओ आम हृदय को प्रस्तुत कर नाओ जे प्रकार से बाट पाख भूमि प्रस्तुत हो न था मो प्रिय भाई और भौणी माने शैतान को आम अनेक समय सुजोग दे था कहीं शैतान सुजोग पाए आम जो सुसमाचार शुणीचु से सुसमाचार आम हटात भूली जाऊ कारण यह हूँ जे आम से वाक्य को बुझी न था जिते ईश्वर वाक्य को बुझा ना से आम जीवन कार्यकारी हो पार ना देखु गोटे वाक्य पढ़ा निष्पत्ति कौन लिखा जे कई राज्य वाक्य शुणी न बुझे पापात्मा आसी तहार हृदय जहाँ बुणा जारण करे से जनक बुणा जाइया बाट पाख भूमि सदृश वाक्य तो शुणुचु प्रचारक पर प्रचारक आसुचार रब्बार पर रब्बार आमे गिरजा को जाऊ कि संध्या गिरजार आमे ईश्वर वाक्य शुणुचु किंतु वाक्य केवल शुणा जथेष नुह आमे वाक्य बुझुचु कि जदि आम वाक्य बुझुना आम के उपकारी हो पारना मो प्रिय भाई भर मैंने वाक्य को बुझा एवं आमे जो वाक्य शुणुचु ता सहित विश्वास को मिसेवा हूँ गुरुत्वपूर्ण विषय वाक्य को जो बुझा तेज आम भाई विश्वास क्रिएट हे कारण वाक्य शुणुचु एवं आम भितर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी देउची बुझाप शक्ति देउची विश्वास जाग्रत होउची पुस्तक चार अध्याय दुई पद कौन लिखा कारण से निकटने जेपरी आम निकटने सुसमाचार प्रचारित होई किंतु श्रोता माने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निजस्व न करिवारु ताहा पक्षे लाभजनक हेला नाही वाक्य तो प्रचार करा जाउछि जिहुदी मानक मध्ये मध्ये वाक्य प्रचार करा जाउछि विजाति मानक मध्ये वाक्य प्रचार करा जाउछि एपरि कि ख्रिस्टियन मानक भीतर मध्ये वाक्य प्रचार करा जाउछि किंतु अनेकों पई सेटा लाभदायक हे पारु नै कारण से माने कोन करछन्ति से वाक्य को विश्वास करि पारबा लिखा सुसमाचार प्रचारित किंतु श्रोता माने विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निजस्व न करिवारु पक्षे लाभजनक हेला नाही श्रुत वाक्य जो वाक्य आम शुणिलु से वाक्य को निजस्व करिया दरकार एटा मो पाए मो जीवन पाए मो जीवन अतीत को ता देखाए मो जीवन भविष्य को ता देखाए मो जीवन वर्तमान परिस्थिति को ता देखाए आईटा मो जीवन को ता रिफ्लेक्ट करुची कि नहीं ताहा श्रोता माने जानिबा दरकार अछि तण लेखा अछि ए वाक्य सहित फेक को मिक्स करिबा दरकार अछि जो वाक्य में सुनुचु से वाक्य सहित जदि फेक मिक्स न हुए ताहाले ताहा श्रोता मानकर उपकार होई पारे नहीं मो प्रिय भाई ओ भौणी माने तो आम देखि पारछु पक्षी माने आसिले एवं से बिहन को खाई गले कारण से विश्वास सहित मिक्स हो नथिला से वाक्य को श्रोता माने बुझी पारि नथिले तो वाक्य को बुझीबा केते गुरुत्वपूर्ण विषय खाली सुनी देउ जमे वाक्य बुझीबा दरकार कौन प्रचार करा जाउछि ए प्रचार मध्य रे प्रभुंकर उद्देश्य कौन पवित्रात्मा कौन मते कहया पई जाउछंती आमन को बुझीबा दरकार अछि
द्वितीय प्रकार भूमिकथा आम देखा जहां आम मथ्यु तेर अध्याय पांच रु छ पढ़ीपर आतेक अल्प मटी पथुरिया भूई में पड़ा एवं बेसी मटी नीघ्र गजा है कि सूर्य उठते जली पड़गला और चेर न थूखीगला पथुरिया भूई क्या बुझाए जहाँ को आम कहीपर गोटे भाव प्रवणकारी श्रोता जे वाक्य शुणुंट से जे भाव प्रवण भाव शुणुंट से हटात आनंद हो जाती हटात निराश हताश हो जाने लोक मान को देखी जो मैंने कि वाक्य शुणती आनंद शुणती हटात शुणती कितु किसी समय पर विश्वास न थाए से पाखे आनंद न थाए कहीं कारण से वाक्य को बुझार शक्ति कम थाए मो प्रिय भाई और भौनी माने ए जगह में देखि पारछु जे से जो अल्प माटी थिबा पथुरिया भूमि जेते बेले जने बिहन बुणिला से बिहन जाई गोटे पथुरिया भूमि रे पड़ी पथुरिया भूमि रे अल्प माटी थिला जेतिकी माटी थिला चेर सेतिकी केवल मारिगला किंतु आउ गभीर भीतर को जाई पाला रे कारण ता तळे कठिन विषय रहिछि पत्थर रहिछि अनेक समय वाक्य शुणु बहुत सुंदर भाव शुणु आनंद शुणु खुशी से शुणु किंतु आम से वाक्यर गभीर भितर को जापना कहीं आम हृदय उर्वर न थाए आम हृदय कठिन थाए एत कठिन थाए भाई वाक्यर चेर मारी पारे ना मो प्रिय भाई और भाई मैंने आम जो वाक्य शुणुचु आम हृदय उर्वर होगा दरकार अच्छी आम हृदय कठिनता रहा खबर ना आम मैंने परस्पर को क्षमा देवार आवश्यकता रही जोद्वारा आम भितर ईश्वर वाक्य कार्यकारी कर तो आम ये देखिपु अल्प मटी थी अनेक सारे वाक्य शुणु कि अल्प जेल रहे अल्प उत्साह अल्प उद्दीपना केवल अल्प समय पर आम जीवन के कार्यकारी हो पारना अल्प समय पर आम उद्दीपना चली मो प्रिय भाई भौनी मारे किंतु प्रभु आमान प्रचुर आग्रह देखा इच्छा करती प्रभु आमान प्रचुर आनंद देखा इच्छा करती किंतु आमान पाखरे धैर्यर भाव था आम वाक्य प्रचुर भाव शुणी न था अनेक समय जो पालक प्रचार करने मंडल को जाती आगर कह जाए आज्ञा बहुत समय हो गला केवल पंद्रह मिनट वाक्य प्रचार करेंगे से पालक हताश हो जाती निराश हो जाती कहीं नाच करने समय अधिक था गीत गाइप बहुत समय थी विभिन्न विषय आलोचना करने बहुत समय थी कि वाक्य कम समय मो प्रिय भाई और भौनी मैंने तो से प्रकार लोक मैंने ये भाव प्रवणकारी श्रोता मैंने से वाक्य शुणती कि अल्प शुणती बहुत शुणी पारती ना तो से भरे चेर मारी पारे ना से पाखे धैर्यर भाव थाए मो प्रिय भाई और भौनी मैंने तो से भितर आत्मिकता गभीरता से अनुभव कर पारती ना से संपूर्ण रूपे प्रभु सारेडर हो पारती ना प्रभु जो संपूर्ण रूपे जो सारेडर हुए ना ता जीवन में ईश्वर वाक्य कार्यकारी हो पार ना जदि ईश्वर वाक्य कार्य साधक जीवंत तथापि जदि आम हृदय जदि कठिन थाए जदि आम हृदय जदि धैर्यहीन हुए जदि आम हृदय जदि वाक्य शुणाप आग्रह न थाए ईश्वर वाक्य से हृदय मध्य कार्य करना तेणु मो प्रिय भाई और भौनी मैंने कारण से वाक्य ये शुणाप चाहती ना कारण से वाक्य को बुझीपारती ना कोड़े एवं एक पद देखा जे वाक्य शुणा क्षणी आनंद ग्रहण कै कि चेर न मारू क्षण काल मात्र स्थिर हो रुहे पर वाक्य सकाश क्लेश वारणा घटले से ही क्षण विघ्न पाए से ही जनक बुणा जाइवा पथुरिया भूमि सदृश पथुरिया भूमि से व्यक्ति जे कि सब बेले आशीर्वाद को ही आशा करे से मन करे जे जीशुंकर वाक्य जाणिले आम जीवन दुख आसवना क्लेश आसवना ताड़ना आसवना सबकि ठीक ठाक चलो
କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଆସିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜାଣୁ, ତାପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହତାଶ ହେଇଯିବା, ନିରାଶ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ଲେଶ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଲୋକ ଟେକା ମାରିଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ତାଡ଼ନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହତାଶ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କି ଝଡ଼, କି କ୍ଲେଶ, କି ତାଡ଼ନା କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଛୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକାରୀ ସାଂସାରିକ ଶ୍ରୋତା। ଆସନ୍ତୁ ସାତ ପଦ ପଢିବା, କଣ ଲେଖାଅଛି। ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଲା, ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ ଉଠି ବଡ ହୋଇ ସେଗୁଡିକୁ ଚାପି ପକେଇଲା। ସେଇ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡାକ କଣ, ବାଇଶ ପଦରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଧନର ମାୟା ତାକୁ ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ସେ ଫଳହୀନ ହୁଏ। ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକ ମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଲୋକ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରେ, ସେ ଧନକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରେ, ସେ ଭାବେ ଯେ ଧନ ମିଳିଗଲେ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଖୁସି ଆଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଧନ ହିଁ, ଟଙ୍କା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁର ଦାସ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ପ୍ରଭୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଅଛି। ତୁମେ ଧନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟର ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ମିଶନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଧନର ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାର ଟିକେ ବୁଡ଼ୁଥିବା, ସଂସାର ଲୋକଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ପାଇଯାଏ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉଠି ନଥାଉ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 13:5 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଦେଖିବା ଲେଖା ହଉଛି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ। ଧନ ଲୋଭ ତାହା ହେଉଛି ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ, ଧନ କାହାର ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ଲୋଭ, ଆସକ୍ତି ଭାବ। ତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଧନରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧନରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସମାଚାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଧନରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଦୁଃଖରେ କ୍ଲେଶରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ଯଦି ଚାଲୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହତାଶ ନିରାଶ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଧନର ମାୟା ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ମଣିଷକୁ ଚାପି ପକାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସେ ପାଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ଚାପି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ସେ ଚାପି ହୋଇଯାଏ, ସେ କେବେ ଫଳ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 13:8-23 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, କେତେକ 100 ଗୁଣ, କେତେକ 60 ଗୁଣ, ପୁଣି କେତେକ 30 ଗୁଣ।
पुणी देखिबा 23 पद रे किंतु जे वाक्य सुनी बुझे ओ प्रकृत रे फल फळे केई 100 गुण केई 60 गुण केई 30 गुण सही जनक गुणा जाईतबा उत्तम भूमि सदृश त शेष भूमि होउची उत्तम भूमि उर्वर भूमि ए शेष भूमि रे बा उर्वर भूमि रे भल भूमि रे जो बिहन पड़ा ता 100 गुण 60 गुण पुणी 30 गुण पड़ा को जगार 100 गुण को जगार 60 गुण को जगार 30 गुण फल पड़ा मो प्रिय भाई और भौणी मैंने आज आम देखिपु आम जीवन रे आम फल फलुचु कि जदि आम फल फल पारना आम प्रभु व्यवहार योग्य वृक्षटे हो पारना कारण फल फलवा हूँ सब गुरुत्वपूर्ण विषय किए फल फले बाइबल एठारे आम कहे 23 पदरे किंतु जे वाक्य शुणी बुझे वो प्रकृत रे फल फले वाक्य केवल शुणुवा लोक फल फलती ना किंतु वाक्य बुझुवा लोक फल फलती तो वाक्य बुझापी आम को टाइम लगे तेणु आम जदि प्रकृत अंतर सहित निजक समर्पण करके प्रभु वाक्य शुणुचु ताल से वाक्य आज आम जीवन में कार्यकारी हो पार मो प्रिय भाई भूमि से वाक्य मोपाई कौन कहूँ वाक्य मो जीवन मत कौन कहूँ वाक्य मत कौन आदेश देक्य शुणवार मोर कौन भूल त्रुटि रही वाक्य को ठीक रूप पालन करुच्ची कि ना ता से व्यक्ति बुझिपार किए जे कि वाक्य भल रूप शुणुची से बुझिपार जी कि वाक्य भल रूप शुणुना से निज जीवन को वाक्य सहित संयुक्त करना से केवल अन्य मानक कथा से भाव निज कथा से भाव पारना तेणु मो प्रिय भाई और भौणी मैंने तो आम को कौन करे आम जिते बड़े प्रकृत भल भूमि हेपाई इच्छा करू तो आम को अनुताप करने आम को मन परिवर्तन करने आम को संपूर्ण रूपे प्रभु निजक समर्पण करने से पवित्रात्मा आम कार्य करती शुणा जा वाक्य प्रति आम के मनोज अटु आम जो वाक्य शुणुचु पालक मान प्रचार करनेक प्रभु दास मान वाक्य प्रचार कर युगरे आम टीवी मध्यम वीडियो मध्यम अनेक वाक्य शुणुचु किंतु से वाक्य गुड़िक समय भूली जाऊ से वाक्य मान जीवन कार्यकारी होगा दरकार से वाक्य मान जीवन स्थायी होगा दरकार तेणु जिते बड़े विपद पड़े जिते समस्या पड़े से वाक्य को आम कोट करके प्रभु प्रार्थना कर पार्बा से वाक्य निर्भर करने द्वारा आम विश्वास वृद्धि पाई मो प्रिय भाई और भौणी मैंने तेणुक आज वाक्य भल रूप शुणा दरकार ता संगे संगे वाक्य को भल रूप बुझा दरकार जे वाक्य को भल रूप शुणे और वाक्य को भल रूप बुझे से ही फल फली थाए केवल आम वाक्य को शुणीगले जथेष हेबना कि वाक्य जो आम शुणुचु ताकू प्रत्येक परिस्थिति रे आम प्रयोग करने दरकार तेरे आम फलवान हो पार मो प्रिय भाई और भौणी मैंने आम आज निजक चेक करवा निजक देखा समीक्षा करवा वास्तव में प्रभु पाखे प्रकृत भाव में मन परिवर्तन कर निजक समर्पण कर देखा दरकार जो मुझे वाक्य शुणुची से वाक्य सहित मोर विश्वास मिशुची कि ना वाक्य सहित जो विश्वास मिशुना तेरे से वाक्य कार्यकारी हो पार तेणु मो प्रिय भाई और भौणी मैंने आम देखल प्रथम भूमि जहाँकि लोक देखाणिया भूमि जी कि अल्प वाक्य शुणे कि लोक को देखा जाए मुझे चलिए मुझे निशा छाड़देली मुद छाड़देली मुझे जुआ खेल को जाऊना कि 10 दिन पर पुनर्व से जुआ खेल को चल जाव कहीं वाक्य भितर प्रवेश करना पक्षी मैंने आज वाक्य को नहीं गले द्वितीय भूमि कथा जो चिंता कलु द्वितीय भूमि ता पथुरिया भूमि ता भीतर माटी ना अल्प माटी थोड़ा शुष्क हो जाए आज मान जीवन समस्या क्लेश गुड़ केवल देखी था वाक्य शुणुचु तथा क्लेश ताड़ना उपरे आम दृष्टिपात करने द्वारा आम आग को बढ़ी पार कि जदि आम इस वाक्य को अधिक रूपे ग्रहण कर
संग्रह करिथाउ जत्ते बड़ क्लेश आसुना काहे कि जत्ते बड़ ताड़ना आसुना काहे कि आम प्रभु निर्भर करके आम बढ़ी पार्बा। तृतीय जमी कथा जब आम चिंता कलु ताकि कंटकमय जमी जहाँ बिहन को चापी पकाए चारा गुड़ी चापी पकाए आज आम प्रभु जावा समय सांसारिक विषय गुड़िक आम चापी पकाए कारण आम बाहर जगत को देखो आम सामन जड़े व्यक्ति धनी चलते आम सामन लोक मैंने समृद्धि चलते आम भाव आम कहीं प्रभु को धरव एत कष्ट मो प्रिय भाई और भाई मान ये सांसारिक चिंता आत्मिकता को नष्ट कर दिए शारीरिक अभिलाष आत्मिकता को नष्ट कर दिए भोग विलास आत्मिकता को नष्ट कर दिए धनर लोभ आज आम आह्वानटा को नष्ट कर दिए मो प्रिय भाई और भाई मान तो प्रभु आज मान को ये तीन प्रकार जमी हेबापी इच्छा करूना प्रभु आम को चाहते गोटे भल भूमि है बाहर पाए से भल भूमि हूँ जे कि ईश्वर वाक्य शुणे अनुताप करे मन परिवर्तन करे एवं प्रभु समर्पित हुए से प्रभु जीवन फल फलैबे से प्रभु विश्वास दिनक दिन वृद्धि प्राप्त हुए ईश्वर इच्छा को से साधन करे आउ प्रभु ता जीवन में इच्छा को प्रकाश करे निमन्ते व्यवहार करिथांती प्रभु ए शिक्षा पर आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्ग पिता मु तुमको धन्यवाद करुछि कारण तुम आज मान को चारि प्रकार भूमि विषय शिखेल प्रभु चारि प्रकार भूमि चारि प्रकार हृदय को सूचाए प्रभु चारि प्रकार भूमि चारि प्रकार विश्वास को सूचाए प्रभु आम अनेक समय देखाणिया भाव आम मैंने तुम वाक्य को ग्रहण कर प्रभु से आम से वाक्य किसी क्षण पर भूली जाऊ अनेक समय प्रभु आम अल्प क्षण केवल आनंद परिपूर्ण हो जाऊ किंतु परवर्त मुहूर्त प्रभु आम हताश में परिणत हो जाऊ आम प्रभु आग को बढ़ी पार अनेक समय प्रभु आम पाखे आम देखुजे संसारित विषय धनर माया गुड़ आम चापी पकाच कारण आम मैंने प्रभु से कंटकमय भूमि सदृश हो जाऊ आम तुम वाक्य ग्रहण करू सत कितु आम चतुपार्श्व को निरीक्षण करू से आम अन्न मानक अनुकरण करी प्रभु आम निजर आत्मिक अवस्था को नष्ट करदे कितु तुम आज मान को कहना चाहू आत्मिक मनीष हेपाई आत्मिक मनीष सीए जे कि प्रभु भल भूमि सदृश जे वाक्य शुणे ताको अंतर भितर को नहीं जाए ता विश्वास सहित मिशाए बाध्यता सहित मिशाए एवं प्रभु तुम फल फल था मत तुम आज प्रभु से प्रकार व्यक्ति कर जोद्वारा प्रभु मु तुम फल फल वाक्य आज कथा कही तुमको धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करू आमेन।